ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग बात कर रहे हैं अपने प्रीलिम्स लॉकडाउन सीरीज में इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में देख रखा है अपने फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड डिस्कशन, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल। ये हम लोगों ने लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर रखे हैं। जिन लोगों ने नहीं देखे हैं, काइंडली गो बैक एंड वॉच द फुल सीरीज फ्रॉम लेक्चर 1, ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाएगी आपके इकोनॉमिक्स के लिए। आज के लेक्चर में बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। काफी कुछ आपको यहाँ पर जानने को मिलेगा। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि इंडिया किस तरीके से बाकी कंट्री के साथ में ट्रेड कर रही होती है। इसके अलावा आपको आज जानने को मिलेगा एक्सचेंज रेट के बारे में। इनफैक्ट यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन रेज करना चाहूंगा स्टार्ट करने से पहले ही। दीपक का क्वेश्चन था कि सपोज एक कंट्री है, सपोज कंट्री का नाम ही ले लेते हैं, मान लेते हैं इंडिया है एंड अदर साइड मान लेते हैं कि नेपाल है, सपोज नेपाल है, या कोई बढ़िया कंट्री ले लेते हैं, काम करते हैं सिंगापुर है मान लेते हैं। मान लेते हैं कि दोनों की इकोनॉमी, इसकी भी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, 5 ट्रिलियन डॉलर, और इसकी भी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। अगर दोनों की इकोनॉमी, दोनों की जीडीपी अगर बराबर है, तो अगर एक रुपए में, सपोज एक रुपए में, या मान लेते हैं एक डॉलर में अगर 100 रुपीज है मान लेते हैं, तो क्या एक सिंगापुर करेंसी में भी, मतलब कि एक डॉलर में क्या यहां पर भी 100 सिंगापुर करेंसी होगी? मतलब दोनों का एक्सचेंज रेट बराबर रहेगा या अलग रहेगा? ये इनका क्वेश्चन था। तो आपको इस लेक्चर के एंड तक इसका आंसर मिल जाएगा कि आखिर में क्या है, और इनफैक्ट आप खुद ही सोच सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले दीज आर आवर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जिसका आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा ये हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो प्रीलिम्स के और मेंस के हैं। यू कैन दीज फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। चैप्टर की शुरुआत करें अगर, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट से स्टार्ट होती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि हमारी इंटरनेशनल ट्रेड किस तरीके की है। तो हमारी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में हम लोग बेसिकली यहां पर देखने वाले हैं। ये ट्रेड किस किस तरीके से हो सकती है? ये ट्रेड हो सकती है कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, आयात कर सकते हैं, बाहर की कंट्री से सामान को मंगवा सकते हैं। दूसरी होती है जो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब हम अपने कंट्री के मैन्युफैक्चर्ड आइटम को मार्केट में दे सकते हैं। इसके अलावा क्या होती है? इसके अलावा होती है जो भी हमारे एनआरआई लोग हैं जो बाहर रहते हैं, वो लोग अपना पैसा मनी ऑर्डर कर सकते हैं हमारे कंट्री में, तो ये मनी ऑर्डर बेसिकली चलाएगा। इसके अलावा बाहर के लोग जो एफडीआई एफआईआई लेकर के आते हैं कंट्री में, या फिर एफपीआई भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं, ये भी आ जा रही होती है। इसके अलावा गिफ्ट वगैरह भी कई बार दे दिए जाते हैं, गिफ्ट हो गया या फिर मान लेते हैं किसी प्रकार से डोनेशन हो गई, तो ये भी आ जाती है हमारी इकोनॉमी में। तो हमारे पास नंबर ऑफ तरीके हैं जिसके थ्रू हमारे कंट्री से डॉलर आता है और डॉलर जाता है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी है। और इसी पूरे पॉसिबिलिटी का ही स्टडी हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट में कर रहे होते हैं। तो ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ एन इकोनॉमी विच टेक प्लेस इन फॉरेन करेंसी फॉल इन द एक्सटर्नल सेक्टर सच एज एक्सपोर्ट इंपोर्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्सटर्नल डेब्ट करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट एटसेट्रा। ये सारे टर्म हम लोग वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे, तो आपको कहीं पर भी डाउट नहीं रहने वाला है आज के लेक्चर के बाद। अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास देखिए इकोनॉमी दो तरीके की होती है। एक इकोनॉमी होती है जिसको हम लोग क्लोज इकोनॉमी बोलते हैं, और दूसरी इकोनॉमी होती है जो ओपन इकोनॉमी होती है। जनरली होता क्या है कि आज की डेट में क्लोज इकोनॉमी बहुत ही कम बची हुई है, सारी इकोनॉमी लगभग ओपन कर दी गई है। बट स्टिल देयर आर सम इकोनॉमीज विच आर अंडर डेवलप्ड। तो जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है वो बेसिकली आज भी अपने आप को क्लोज करके रखी हुई है। मेनी अफ्रीकन नेशन हैव देयर इकोनॉमी क्लोज, और इस तरीके से हम लोग चीजें देख सकते हैं कि क्लोज इकोनॉमी होती है। इसके अलावा ओपन इकोनॉमी, जितने भी डेवलपिंग नेशन होते हैं या फिर जितने भी डेवलप्ड नेशन होते हैं, वो हमेशा अपनी इकोनॉमी को ओपन करके रखते हैं, क्योंकि इनका काम ही होता है एक्सपोर्ट करना, और इस वजह से ये अपनी इकोनॉमी को ओपन करके रखते हैं। अगर दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करें तो क्लोज इकोनॉमी का मतलब है डज नॉट हैव इकोनॉमिक रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें होता क्या है, सपोज दिस इज द कंट्री, एनी कंट्री, और इनका बाहर के कंट्री के किसी के साथ अगर ट्रेड है, तो बेसिकली ये यहाँ पर गेट्स को क्लोज रखते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का ट्रेड नहीं होने देते हैं।
एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस आउटसाइड द टेरिटरी डू नॉट अफेक्ट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ऑब्वियस सी बात है, यहां पर अगर नेशनल इनकम के बारे में बात करें या फिर हम लोग जीडीपी के बारे में बात करें या फिर हम लोग अगर जीएनपी के बारे में बात करें तो सारा का सारा सिस्टम बराबर निकल के आएगा, ऑल विल बी इक्वल। क्यों? क्योंकि बाहर से इनका कोई कनेक्शन नहीं है, ना तो बाहर का बंदा अंदर जा रहा है ना तो अंदर का बंदा बाहर जा रहा है। तो इस तरीके से सारा सिस्टम एक ही रहने वाला है। क्लियर? देयर इज अ नो डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम। तो सेम चीज वही जो हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया, ये एक तरीके की इमेजिनरी इकॉनमी होगी। वाई? बिकॉज देयर विल बी लॉट ऑफ बर्डन ऑन द इकॉनमी, क्योंकि ये इकॉनमी पूरी तरीके से केवल और केवल सस्टेन रहेगी जो यहाँ की सेंट्रल बैंक रहेगी। अगर ओपन इकॉनमी के बारे में बात करें तो देखिए ठीक इसका सारा अपोजिट हो जाएगा। इकॉनमी हैज इकोनॉमिक रिलेशन विद द अदर कंट्रीज, इकॉनमिक एक्टिविटीज ऑफ सच एन इकॉनमी आर अफेक्टेड बाई इंटरनेशनल फ्लक्चुएशन। ऑब्वियसली हम लोगों ने बात किया हुआ था FDI FII के बारे में, या फिर कह लीजिए कि इन्वेस्टर्स के बारे में। अगर ये इन्वेस्टर अगर आ रहा है, पैसा डंप कर रहा है, तो इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर उसको स्क्वीज कर लेता है तो फिर और दिक्कत हो जाएगी। हम लोग आज के चैप्टर में, आज के इस डिस्कशन में FDI और FII को और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से हमारा एक्सचेंज रेट, या फिर देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे हमारी इकोनॉमी को क्रिपल डाउन कर सकता है। इसके बाद आगे देखें, द साइज ऑफ नेशनल इनकम मे बी ग्रेटर और स्मॉलर देन डोमेस्टिक इनकम। तो इट डिपेंड्स। क्यों डिपेंड्स? क्योंकि देखिए अगेन यहां पर डिपेंड कर जाएगा कि आपकी इकॉनमी मैन्युफैक्चरिंग है या फिर क्या है, या फिर दूसरे शब्दों में बात करें कि आपकी इकॉनमी कंज्यूमिंग है या फिर प्रोड्यूसिंग है। तो किस तरीके की है, प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं या फिर कंज्यूमर बनना चाहते हैं। जैसे कि बात कर लेते हैं सिंगापुर, सिंगापुर जो है एक तरीके की कह सकते हैं कि वो प्रोड्यूसर है, और जबकि अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया एक तरीके की कंज्यूम करने के लिए कर रही होती है। ऑल दोनों की इकॉनमी हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर रखा है 5 ट्रिलियन है दोनों की इकॉनमी। तो देयर विल बी सम डिफरेंस, ऑब्वियसली देयर विल नॉट बी एक्सचेंज वैल्यू दोनों की सेम नहीं रहने वाली है। विद द टाइम यू विल गेट टू नो कि दोनों की इकॉनमी में क्यों चेंजेस होंगे, क्यों एक्सचेंज रेट में क्या चेंजेस होंगे। ठीक है, एक ओपन इकॉनमी के बारे में बात करें तो इट इज अ रियलिस्टिक इकॉनमी। चलिए खैर, तो हम लोगों ने डिफरेंस देख लिया, डिफरेंस आपको क्लियर भी हो गएंगे। अब देखिए यहां पर एक और सिस्टम बता रहा है कि द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द इंटरनेशनल बैंक शीट। तो हम लोगों ने जैसे देखा था हमारी फिस्कल पॉलिसी के बारे में, जहां पर हम लोगों ने, यहां पर भी हम लोगों ने एक बैलेंस शीट बनाई थी, और ये जो बैलेंस शीट थी वो बेसिकली थी इंटरनल इकॉनमी की। इंटरनल इकॉनमी मतलब कि हमारे यहां पर किस तरीके से पैसा आ रहा है, किस तरीके से जा रहा है, इसका हम लोगों ने बैलेंस शीट बनाया हुआ था। लेकिन वही इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस का अगर बात करें तो यहां पर ये हो जाएगी इंटरनेशनल बैलेंस शीट, जहां पर गुड्स का, सर्विसेज का, असेट्स का इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन ओवर अ ईयर डिसाइड किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट कंसिस्ट ऑफ बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ करेंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीजें होती हैं। देखेंगे वन बाई वन करके क्या क्या चीजें हैं हमारे पास। तो देखिए हमारे पास दो तरीके की इकॉनमी आ जाती है, वन होती है जिसको हम लोग करेंट अकाउंट बोलते हैं और दूसरी होती है जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। हालांकि हम लोगों ने जब फिस्कल पॉलिसी डिस्कस किया था वहां पे मैंने आप लोग को बताया था कि हमारे पास दो अकाउंट होते हैं, एक होता है जिसको हम लोग रिवेन्यू अकाउंट बोलते हैं और दूसरा होता है जिसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। रिवेन्यू अकाउंट को ही हम लोग बोल रहे हैं करेंट अकाउंट। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो दिस इज ऑल्सो वॉट, दिस इज ऑल्सो शॉर्ट टर्म कह लीजिए अकाउंट है ये, और सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, ये एक लॉन्ग टर्म अकाउंट हो जाएगा। हमारे पास इसके कुछ कंपोनेंट्स आ जाते हैं, जैसे इट इंक्लूड्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, रीपेमेंट एंड डिविडेंड फ्रॉम लोन ट्रांसफर इन्वेस्टमेंट। ये सारी चीजें अभी हम लोग देखेंगे एक अपने टेबल बना करके, वहां पर आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या क्या चीजें वन बाई वन करके डिस्कस करेंगे। कैपिटल अकाउंट में बात करें तो ये लॉन्ग टर्म ट्रांजेक्शन होते हैं, डील्स विद इन्वेस्टमेंट एंड बोरोइंग्स हो जा रही होती है, तो ये चीज बेसिकली होती है। यहां पर अब आपको एक टेबल आ गया, इस टेबल को फटाफट पहले हाईलाइटर ले लेते हैं तब आपको क्लैरिटी आएगी क्या चीज है। इस टेबल को हम लोगों ने डिस्कस किया था जब हम लोग इकोनॉमिक सर्वे डिस्कस कर रहे थे। अब देखिए अगर इस टेबल को देखें, ध्यान से देखिएगा और इसके नोट्स आप लोग बना लीजिएगा। यहां पर देखिए हमारे पास है हमारा एक्सटर्नल सेक्टर, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। दो अकाउंट होते हैं हमारे पास, एक हो गया हमारा करेंट अकाउंट और दूसरी हो गई हमारी कैपिटल अकाउंट। अगर हम लोग करेंट अकाउंट के बारे में बात करें तो देखिए ये होती है गुड्स, या जिसको हम लोग मर्चेंडाइज भी बोल सकते हैं, या जिसको हम लोग विजिबल्स भी बोल सकते हैं क्योंकि ये दिख रही होती है। दूसरी होती है जिसको हम लोग सर्विसेज बोल रहे होते हैं, और ये कभी दिखती नहीं है इसलिए इसका नाम दिया जाता है इनविजिबल्स। क्लियर?
तीसरी होती है इनकम। अब इनकम कहां कहां से हो सकती है, इनकम हो सकती है आपको प्रॉफिट से। प्रॉफिट का मतलब आपने मान लीजिए कि कोई एक संस्था मान लीजिए कि विदेश में जो है मतलब फॉरेन में आपने सेटअप की, सपोज जैसे ONGC ही है, तो ONGC विदेश या आपने फॉरेन में अपनी एक सब्सिडियरी ओपन करके रखी हुई है एंड दैट सब्सिडियरी इज मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि क्या हो रहा है कि आपके कंट्री में या फिर आपके लिए प्रॉफिट हो रहा है, इनकम आ रही है। ठीक है, जैसे ग्रॉस नेशनल इनकम जो होती है वो यहां से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने किसी को लोन दिया है, तो नाउ यू आर गेटिंग द लोन बैक, तो ये लोन हो जाती है आपकी, क्या हो जाती है लोन का इंटरेस्ट, ये बन जाता है आपका इनकम और ये आ जाता है हमारे करंट अकाउंट में। हालांकि इस इनकम को हम लोगों ने अपने फिस्कल डेफिसिट में भी मतलब कि फिस्कल पॉलिसी में भी हम लोगों ने वहां पर भी जोड़ा था और वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि वो रिवेन्यू अकाउंट में आ रहा था। अगर हम लोग हम लोगों ने अपने करंट अकाउंट ऑफ एक्सटर्नल सेक्टर देखें तो यहां पर भी हमें इंटरेस्ट जो है वो इनकम के फॉर्मेट में आ जाएगा। तीसरी होती है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है कि जब भी कोई एक कंपनी है, कंपनी का एक मान लीजिए सब्सिडियरी है एंड दैट सब्सिडियरी इज मेकिंग एनी प्रॉफिट, तो एक तो प्रॉफिट हो गया जो आपकी कंपनी ओरिजिनल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। दूसरी होती है जो डिविडेंड के फॉर्मेट में आया, मतलब एक सब्सिडियरी के फॉरेन कंपनी के सब्सिडियरी के फॉर्मेट में आ रहा है, तो ये हो जाती है डिविडेंड का फंडा, जहां पर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट की होगी फॉरेन कंपनी में और उस कंपनी ने कोई प्रॉफिट जनरेट किया और उस प्रॉफिट का एक हिस्सा एक डिवीजन आपके पास आया इन द फॉर्मेट ऑफ डिविडेंड। तो आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी कि प्रॉफिट क्या है, जहां पर आपके कंपनी की खुद एक सब्सिडियरी प्रॉफिट कमा रही है वहां पे। इंटरेस्ट का मतलब जो भी आपने लोन दिया हुआ है उस लोन का आप इंटरेस्ट कमा रहे हैं। डिविडेंड का मतलब एक फॉरेन कंपनी जिसमें आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और वो इन्वेस्टमेंट के कारण से उस शेयर के कारण से आपको एक प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है और वो हिस्सा डिविडेंड कहला जाता है। तो आपको क्लैरिटी आ गई होगी तीनों टर्म में अंतर क्या है। चौथी जो आती है करंट अकाउंट में वो आती है ट्रांसफर्स। ट्रांसफर्स का मतलब जैसे मनी ऑर्डर वगैरह कर लिया जाता है, तो ये आ जाती है हमारी ट्रांसफर के फॉर्मेट में करंट अकाउंट। अब देखिए करंट अकाउंट आपका इनकमिंग के भी फॉर्मेट में हो सकता है और आउटगोइंग के भी फॉर्मेट में हो सकता है। हो सकता है कि आपको एज अ इंडियन आपको फॉरेन कंट्री जाना हो तो आप डॉलर विड्रॉ करेंगे, निकालेंगे अपने अकाउंट से, और या हो सकता है कि फॉरेन के मतलब कि NRI बंदे इंडिया आ रहे हो और वो डॉलर जमा कर रहे हो। तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों ही पॉसिबल है, दोनों ही चीजें हो सकती हैं हमारे इस करेंट अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट के बारे में बात करें तो देखिए यहां पर होती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब एक FDI भी हो सकती है, FPI या FII के फॉर्मेट में हो सकती है। दूसरा हो सकता है रेमिटेंस के फॉर्मेट में। तीसरा हो सकता है लोन के फॉर्मेट में। इसी लोन को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। अभी आपको और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का काफी अच्छे से मतलब समझ में आएगा कि क्या चीज है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब अभी फिलहाल के लिए आप ये समझिए कि आपको इंडियन बैंक ने लोन नहीं दिया है, आप चले गए हैं फॉरेन में और फॉरेन के किसी बैंक से आप लोन ले करके इंडिया आ रहे हैं, इसको बोला जाता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। यू आर नॉट गेटिंग एनी लोन एनी फंड फ्रॉम द इंडियन कंपनी और इंडियन बैंक, नाउ यू आर टेकिंग द लोन फ्रॉम फॉरेन पार्टनर। ठीक है, तो ये चीज हो जाती है आपकी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के मतलब। अब देखिए थोड़ी सी कैलकुलेशन में आ जाते हैं हम लोग। कैलकुलेशन में जब आप आएंगे तो हमारे पास यहां पर हमें जो कैलकुलेट करनी होती है वो कैलकुलेट करनी होती है करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट के बारे में हम लोग देखनी होती है क्या चीजें हैं। करंट अकाउंट में देखेंगे तो हमें अपना गुड्स के बारे में देखना होता है, जो भी गुड्स का आदान प्रदान हुआ है, चाहे इंपोर्ट के फॉर्मेट में हो रहा होगा चाहे एक्सपोर्ट के फॉर्मेट में हो रहा होगा, तो हमारे पास प्लस और माइनस दोनों आ सकते हैं। सिमिलरली सर्विसेज भी है, सर्विसेज भी हमारे पास इसी तरीके से प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। इनकम के फॉर्मेट में देखेंगे, इनकम आ भी सकता है और जा भी सकता है, और सिमिलरली ट्रांसफर्स भी इसी तरीके से पॉसिबल है। अगर इसकी वैल्यू ओवरऑल इसकी मतलब प्लस और माइनस करने के बाद अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है तो हम लोग इसको बोलते हैं करंट अकाउंट सरप्लस। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आती है तो उसको हम लोग बोलते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट, या इसी को बोलते हैं CAD करंट अकाउंट डेफिसिट। क्लियर हो गया क्या चीज है? तो ये हो जाती है हमारी पूरी की पूरी सिस्टम। आगे बढ़े हम लोग तो आगे हमारे पास देखिए हमारे पास आया हुआ है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के बारे में, और इसके हम लोग थोड़ा सा डिटेलिंग कर लेते हैं कि क्या चीज है। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब मैंने आप लोगों के इकोनॉमिक सर्वे में जब एग्जांपल दिया था तो मैंने कहा था कि रिकॉग्निशन IAS इज अ कंपनी एंड इट इज ट्राइंग टू गेट सम फंड्स। ये कुछ पैसे जो होता है कुछ फंड जो है वो डिमांड कर रहे हैं। एक ऑप्शन है क्या,
कि भाई मांगने जाते हैं, किससे मांगने जा सकता हूं मैं, कि एंजल इन्वेस्टर से मांगूंगा कि भाई हमको पैसा दे दो और हमारी कंपनी की कुछ शेयर ले लेना, इक्विटी ले लेना, या फिर वेंचर कैपिटलिस्ट के पास भी जा सकता हूं मैं और कहूंगा कि दे देना, अगर ये फंड देंगे तो वो चलाएगा हमारे एफडीआई एफपीआई में इन द फॉर्मेट ऑफ कैपिटल अकाउंट या फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेकिन मान लेते हैं इन लोगों ने कुछ पैसा नहीं दिया, हमें इन्वेस्टमेंट समझ में आ गई लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। अब क्या है, मैं जाऊंगा बैंक के पास, बैंक वाला कह देगा, मैं कहूंगा बैंक वाले को लोन दे दो यार, तो बैंक वाला कहेगा कि नहीं यार मेरा ऑलरेडी एनपीए हो रखा है, हम नहीं दे पाएंगे, तो मेरा यहां से भी कट गया, अब मुझे यहां से भी पैसा नहीं मिलेगा। नाउ व्हाट इज द पॉसिबिलिटी देयर, अ पॉसिबिलिटी ये है कि मैं अपने फॉरेन की किसी फ्रेंड को फोन करूंगा और कहूंगा भाई तुम ही हमको कुछ कर सकते हो, तुम ही हमारे हमारे लिए फंड मतलब जुगाड़ सकते हो। तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के फॉर्मेट में किसी फॉरेन बैंक से मैं अपना पैसा ले लूंगा और उसके हिसाब से मैं उसको इंटरेस्ट वगैरह देना शुरू कर दूंगा। तो दिस इज हाउ द होल थिंग गोज ऑन, और ये पूरी की पूरी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की कहानी है जहां पर मैं किसी फॉरेन बैंक से अपना पैसा निकालूंगा और इस तरीके से मैं अपना फंड जो है वो रेज करने की कोशिश करूंगा। क्लियर हो गया क्या है हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब। चलिए खैर पेन वापस ले लेते हैं, अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, आगे हमारी आती है करंट अकाउंट बैलेंस के बारे में। यहां पे हम लोगों ने देखा है बेसिकली एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और ये वैल्यू मैंने बेसिकली इसलिए रखी है, इसको हम लोग मॉड लगा देते हैं तो मॉड की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा करंट अकाउंट बैलेंस। अगर इसकी वैल्यू आती है पॉजिटिव तो ये क्या है सरप्लस, और अगर ये वैल्यू निगेटिव आती है तो ये क्या है डेफिसिट। तो उस तरह से नाम भी क्या पड़ जाएगा, करंट अकाउंट सरप्लस या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट। क्लियर हो गया। अब इस इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में वैल्यू किसकी किसकी हम लोग रखने वाले हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले ही डिस्कस किया, हम लोग रखेंगे अपने गुड्स की या फिर इसी को बोल सकते हैं हम मर्चेंडाइज की, फिर हम लोग रखेंगे अपने सर्विसेज की, क्लियर, या इनविजिबल्स भी इसको बोलते हैं, ट्रांसफर्स को हम लोग यहां पर रख रहे होंगे, और साथ में जो हमारी इनकम वाली पार्ट है, और इनकम वाली पार्ट हम लोगों ने अभी देखा ही अलग अलग तरीके से हो सकती है, हो सकती है किसके किसके फॉर्मेट में, एक हो सकती है प्रॉफिट, दूसरी हो सकती है इनकम के फॉर्मेट में, इनकम मतलब कि आपका हो गया डिविडेंड का फॉर्मेट, ठीक है। तो ये हमारे पास सिस्टम आ जा रही होती है, क्लियर हो गया क्या चीज है। ओके अब आते हैं जरा करंट अकाउंट पे, तो करंट अकाउंट सरप्लस या कैपिटल अकाउंट डेफिसिट ये आपको क्लियर ही हो गया, यहां पर मैंने आप लोग को समझा ही दिया है क्या चीज है। अब हम लोग जरा आते हैं कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग करंट अकाउंट डेफिसिट। ओके तो अब यहां पर जब आप देखेंगे तो हमारे पास यही वो फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे होंगे, वन बाय वन करके जरा देखना शुरू करते हैं। एक्सचेंज रेट और वैल्यूड एक्सचेंज रेट वुड कॉज लार्ज डेफिसिट। जैसे मान लेते हैं कि ऑयल है, मान लेते हैं ऑयल पेट्रोलियम है, ठीक है, मान लेते हैं पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम को जो मान लेते हैं रेट है 2017 में, मान लेते हैं कि रेट चल रहा है $100 पर बैरल, क्लियर, $100 पर बैरल, और हम लोग एक ही बैरल मंगवा रहे हैं ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, तो हमें $100 रुपीज देने पड़ेंगे, मतलब $100 देना पड़ेगा, रुपीज क्या होता है। 2017 में मान लीजिए कि जो रेट चल रही थी वो रेट चल रही थी $1 में ₹50 मान लेते हैं, तो यानी इंडियन करेंसी की इक्विवेलेंट हमें कितना पैसा देना पड़ गया, हमें देना पड़ गया इसको बेसिकली ₹5,000 हमने दिया और हमने एक बैरल जो होता है तेल मंगवा लिया। अब मान लेते हैं कि 2019 आ गया है, इस 2019 में दो पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी कि हमारा जो ऑयल है वो $100 पर बैरल अभी भी है, क्लियर, ये अभी भी है, दूसरा हो सकता है कि $120 पर बैरल हो गया, तेल का दाम बढ़ गया मान लेते हैं। अब यहां पर क्या है कि हमें अगेन एक बैरल खरीदने के लिए $100 देना पड़ेगा, यहां पर एक बैरल खरीदने के लिए $120 देना पड़ेगा, नो डाउट इसमें। मान लेते हैं कि यहां पर एक्सचेंज रेट जो हमारी चल रही है वो अभी भी $1 इज इक्वल्स टू ₹50 चल रही है, ठीक है, यहां पर मान लेते हैं कि एक्सचेंज रेट हमारा $1 के बदले ₹75 हो गया है, क्लियर, या एक काम करते हैं दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं, ₹50 भी और ₹75 भी, क्लियर। अब देखिए अगर $100 ही है, प्राइस नहीं बढ़ा है ऑयल का, तो मुझे ₹5,000 ही देना पड़ता अगर एक्सचेंज रेट में कोई चेंज नहीं आता, लेकिन एक्सचेंज रेट में चेंज आ गया और मुझे अब ₹7,500 देना पड़ रहा है, यानी कि हमारे लिए तेल महंगा हो गया है ₹2,500। लेकिन ये तेल हमारे लिए महंगा क्यों हुआ, क्योंकि हमारा एक्सचेंज रेट डिवैल्यू कर गया, एक्सचेंज रेट हमारा जो है वो बदल गया, लेकिन ऑयल का दाम अभी भी उतना ही है, ऑयल के दाम में कोई चेंज नहीं आया, चेंज केवल किस में आया है, हमारे एक्सचेंज रेट में आया, हमारी गलती की वजह से हुआ है।
दूसरा अगर ऑप्शन देखें तो यहां पर देखिए 75 और ये 120 रुपीज चल रही है यहां पर, तो 120 रुपीज के कारण से यहां पर जब आप वैल्यू देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, यहां पर आपको पैसे देने पड़ रहे हैं 9000 रुपए, लेकिन यहां पर क्या है अगेन वैल्यू ही बढ़ गई है। ठीक है, अगर मान लेते हैं एक्सचेंज रेट नहीं बढ़ा होता तो कितना हो जाता, तो आपको 6000 रुपए देना पड़ता, लेकिन यहां पर क्या है मेनली कॉस्ट किसकी वजह से, यहां पर हो रही है प्राइस की वैल्यू, मतलब कि यहां पर कॉस्ट ही बढ़ गई है, ऑयल की कॉस्ट ही बढ़ गई है। तो बेसिकली दो तरीके से चीजें बढ़ सकती हैं, इंटरनेशनल मार्केट में चाहे इन्फ्लेशन आया हो चाहे नहीं आया हो, एक्सचेंज रेट काफी ज्यादा एक डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है हमारे इस करेंट अकाउंट डेफिसिट को बताने के लिए। यानी करेंट जो एक्सचेंज रेट है, दिस ओवरवैल्यूड एक्सचेंज रेट वुड कॉज लार्जर डेफिसिट। तो देखिए लार्जर डेफिसिट बना रहा है, 7500 रुपए 2500 रुपए का एक्स्ट्रा डेफिसिट हमें बना दे रहा है। क्लियर हो गया क्या सिस्टम है। दूसरा देखिए बोल रहा है लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेंस इंपोर्ट स्पेंडिंग। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास पहले हमारे इंडिया में मान लेते हैं कि 1 लाख कार थी, 1 लाख कार के लिए मान लेते हैं हर कार में 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो 10 लाख लीटर 10 लाख लीटर हमें ऑयल की जरूरत थी। अब क्या हुआ, आगे साल नेक्स्ट हो गया 2 लाख कार हो गई, अब हमारा क्या है कि हमको जो रिक्वायरमेंट हो गई वो 20 लाख लीटर की हो गई, तो हमारा क्या है 10 लाख लीटर का कंजम्पशन बढ़ गया है, जिसके कारण से अगेन इस पे एक्स्ट्रा डेफिसिट आ जाएगा, क्योंकि तेल तो हम लोग अपने कंट्री में निकाल नहीं पाएंगे तो हमें बाहर से ही मंगाना पड़ेगा, तो बाहर से मंगाएंगे सीधी बात है क्या होगा कि जब भी कंज्यूमर की एक्सपेंस या कंज्यूमर की स्पेंडिंग अगर बढ़ेगी तो हेंस इंपोर्ट स्पेंडिंग बढ़ जा रही होती है। तो काफी आसान है, इसमें कुछ खास डिस्कशन की बात नहीं है। कैपिटल फ्लोज टू फाइनेंस डेफिसिट इन लॉन्ग टर्म, अब ये क्या चीज है, यहां पर जरा ध्यान से सुनिएगा, कैपिटल की चीज आ गई है। कैपिटल वाली चीज में कई लोगों को थोड़ा डर जाते हैं लोग, कैपिटल में क्या है, आज के लेक्चर के बाद आपको कभी कैपिटल से कैपिटल अकाउंट से डर नहीं लगेगा, आपको बहुत ही अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी। अब हम लोग जरा देखते हैं फाइनेंस डेफिसिट करने के लिए क्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि सपोज मेरी कंपनी है, मान लेते हैं कि रिकॉग्निशन आईएस इज अ कंपनी एंड इट इज गोइंग इनटू लॉस, ठीक है, सपोज ये लॉस में चल रही है। अब मैंने क्या किया था, लॉस में जा रही है तो सीधी सी बात है मैं अपने फंड को फंड मतलब जुगाड़ने के लिए मैं अलग अलग प्लेयर्स के पास जाऊंगा। मैं एक प्लेयर्स के पास गया था जहां पर बैंक होती है, बैंक ने मना कर दिया था क्योंकि उसके पास एनपीए की दिक्कत हो रखी है। फिर मैं दूसरे के पास गया, दूसरे के पास मतलब मैं गया इन्वेस्टर्स के पास, तो मैंने इन्वेस्टर्स को बोला कि यार देखो मेरा ये कंसेप्ट है और दिस इज हाउ आई रन माई कंपनी। तो इन्वेस्टर को हमारा आइडिया पसंद आया और इसने मेरी कंपनी में फंडिंग कर दी, ये हमारे कंपनी में फंडिंग कर दिया। अब फंडिंग किया है तो ऐसा तो है नहीं कि एक हफ्ते के लिए किया है, एक हफ्ते बाद पैसा उठा लेगा, ये इसने फंडिंग की है और मेरे से इक्विटी लेकर के गया है, वो इक्विटी लेकर के गया है तो इसको इत्मीनान रहेगा कि यार हम ये कंपनी भागेगी नहीं, क्यों, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल पेपर्स है, इसके इक्विटी के पेपर है। तो इसको बोला जाता है कैपिटल, क्यों, क्योंकि सीधी सी बात है ये हो रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। कल को जब मेरी कंपनी प्रॉफिट देना शुरू कर देगी तो इस प्रॉफिट का ये हिस्सेदार बन जाएगा और इसीलिए तो उसने इन्वेस्ट किया था, यही तो सारा कंसेप्ट देख करके ही तो उसने इन्वेस्ट किया। तो एक तरीके का ये बन गया क्या, कैपिटल अकाउंट, क्यों, क्योंकि एफडीआई ये हो रही है लॉन्ग टर्म के लिए, चाहे एफडीआई बोलिए चाहे एफपीआई बोलिए, जो भी बोलना है आपको। क्लियर हो गया क्या है, ये हुआ है फाइनेंस डेफिसिट को कम करने के लिए। अब चाहे मेरी कंपनी ग्रो करे चाहे इंडियन की इकोनॉमी ग्रो करे, बात तो एक ही है, बिकॉज आई एम द पार्ट ऑफ इकोनॉमी, इफ आई एम गेटिंग द फंड, इफ आई एम मेकिंग रिवेन्यू, देन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू क्रिएट सम एम्प्लॉयमेंट और उस एम्प्लॉयमेंट से हमारी इकोनॉमी को फायदा हो रहा होगा। क्लियर हो गया क्या चीज है। अब देखिए सेविंग रेट पे क्या फायदा हो रहा होता है, सेविंग रेट पे इट इन्फ्लुएंसिंग लेवल ऑफ इंपोर्ट स्पेंडिंग। अब इस पे क्या है, अब मान लीजिए कि सपोज ये कोई बंदा है, इसने क्या किया अपनी सेविंग्स काफी ज्यादा बढ़ा के रखी हुई है, सेविंग्स बहुत अच्छी इसकी हो गई है। अब इस सेविंग को ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, वो इन्वेस्ट कर सकता है अपने या तो किसी शेयर वगैरह बॉन्ड वगैरह में करेगा, तो वो तो मार्केट में चला गया, मार्केट का मतलब मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, वो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस करके रखा हुआ है। दूसरा वो इन्वेस्ट कर सकता है किसी ऐसी चीज में जो कि इंपोर्ट करनी हो, जो बोलाता है ना इंपोर्टेड आइटम है हमारे पास, इंपोर्ट वाले आइटम में कर सकता है। यानी कि बेसिकली हुआ क्या, कंजम्पशन इसका अगेन बढ़ गया है, यानी कि हमारा जो सेविंग है वो सेविंग रेट अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस लेवल ऑफ इंपोर्ट स्पेंडिंग, क्योंकि इंपोर्ट काफी ज्यादा हमारी फिर बढ़ जाएगी।
फिर उसके बाद रिलेटिव इन्फ्लेशन और कॉम्पिटिटिवनेस, ये तो खैर कोई बात ही नहीं है, कंपटीशन अकॉर्डिंगली जनरेट होता है विद सम इन्फ्लेशन, वी हैव ऑलरेडी टॉक दैट इन द इन्फ्लेशन चैप्टर, हम लोगों ने काफी डिटेल में उसको डिस्कस ही किया था। आगे देखिए कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में है, लाइक दिस, सपोज क्या हो रहा है चीजें, अब यहां से हमारी ओरिजिनल एक्सचेंज रेट की चीजें क्लियर होनी धीरे धीरे आपको शुरू हो जाएंगी। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज की वैल्यू क्या है, अब एक होती है जिसको बुलाता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन में आपको पता ही है कि यहां पर क्या होती है, किसी एक आइटम की वैल्यू गिरते जाती है, अब गिरती क्यों है, दैट इज वियर एंड टियर, तो वियर एंड टियर के कारण से उसकी वैल्यू गिरते जाती है। एक बार इसको पढ़ लीजिए आप, इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इट इज अ सिचुएशन व्हेन डोमेस्टिक करेंसी लूजेस इट्स वैल्यू इन फ्रंट ऑफ फॉरेन करेंसी विच इज मार्केट ड्रिवन। दिस इज इंपॉर्टेंट कि ये मार्केट ड्रिवन है। मान लेते हैं कि $1 रुपीज में अभी 50 रुपीज आ रहे हैं, मान लेते हैं ऐसा। अब ये क्या है कि इसकी ऑब्वियसली इसका रेट कैसे डिसाइड होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस भी करेंगे, ये भी डिमांड एंड सप्लाई पे ही डिपेंड करता है। समझ लीजिए कि डॉलर एक ऐसी आइटम है, एक ऐसा गुड है, एक ऐसी वस्तु है जो भी डिमांड कर रही होगी और जिसकी सप्लाई भी हो रही होगी। क्लियर हो गया, जैसे कि मान लेते हैं कि इस डॉलर की जगह आप समझ लीजिए कि एक पैकेट मैगी है, ठीक है, एक पैकेट मैगी है, इसका दाम 12 रुपए भी हो सकता है, इसका दाम 10 रुपए भी हो सकता है और इसका दाम 8 रुपए भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ग्राहक की कंज्यूमर की कौन कितना खरीदना चाहता है। अगर इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इसकी डिमांड कुछ खास रहेगी नहीं और इसकी वैल्यू तुरंत के तुरंत गिर जाएगी। सिमिलरली इसकी अगर ठीक ठाक डिमांड है 10 रुपए और अच्छी खासी डिमांड हो गई, सप्लाई कम है, तो वैल्यू हमेशा बढ़ जाएगी। बस डॉलर की जगह पे आप मैगी की जगह पे डॉलर लगा दीजिए, यहां पर रुपए लगा दीजिए, बात आपको एक ही मिलेगी। तो सेम चीज है, यहां पर कोई अंतर नहीं है, दोनों के दोनों सेम है। अब बस हमें क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, ये आ कहां से रही है, कंज्यूमर कौन बन रहा है, मैगी कहां से छप रही है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी क्या चीज है। अब देखिए डिवैल्यूएशन का मतलब यही होता है, मतलब डिप्रिसिएशन का मतलब यही होता है, जब एक डॉलर में की वैल्यू 40 रुपए है, फिर 50 रुपए हो जा रही है, फिर 60 रुपए हो जा रही है, फिर 70 रुपए हो जा रही है, और ये चल रहा है मार्केट के हिसाब से, मार्केट का मतलब डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चल रहा है, तो आपको इस तरीके की चीजें मिलती हैं अगर, तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। लगातार वैल्यू जो होती है, मतलब लगातार करेंसी की वैल्यू जो है वो डिवैल्यूएट होती आ रही है, देखिए इसकी वैल्यू लगातार गिरते जा रही है, खत्म होते जा रहा है। क्लियर हो गया क्या चीज है। डिवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है, डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जब कंट्री खुद कर रही होती है ये काम जबरदस्ती, मतलब मार्केट से नहीं हो रहा है, ये फिक्स स्टाइल में आता है, ये फिक्स स्टाइल होती है और यहां पर कंट्री खुद जो है वो कम कर रही होती है पैसे, मतलब इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट व्हेन एक्सचेंज रेट ऑफ ए डोमेस्टिक करेंसी इज लोअर्ड बाय इट्स गवर्नमेंट इट इज कॉल्ड डिवैल्यूएशन। छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं चाइना का, काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। मान लेते हैं चाइना चूंकि एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है और इसी वजह से ये अपने आप को डिवैल्यूएट करती रहती है हमेशा। अब देखिए मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है, अब हम दो कंट्री को लेकर चलते हैं, एक मान लेते हैं इंडिया को लेकर के चलते हैं और एक लेकर चलते हैं चाइना को, ठीक है। अब मान लेते हैं हम लोग इंडियन रबर के बारे में बात करते हैं, रबर है मान लेते हैं, इसने भी रबर बनाया, इसने भी रबर बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर रबर की कॉस्ट, मैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बारे में बात कर रहा हूं, दिस इज मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो रबर की निकल के आ रही है मान लेते हैं वो 100 रुपीज है, ठीक है। यहां पर रबर की कॉस्ट जो है वो मान लेते हैं कि 110 रुपीज है, इंडियन रुपी के फॉर्मेट में बात करें अगर तो 110 रुपीज है। अब देखिए दोनों में सस्ता कौन है, दोनों में सस्ता तो इंडिया वाला है, यानी इंडिया वाला जब भी एक्सपोर्ट करेगा तो इंडिया वाले का भाग्य चमक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और इसका जब भी एक्सपोर्ट करेगा तो हमेशा इसको मतलब क्रिटिसिज्म या फिर कह लीजिए कि इतना लेस अट्रैक्टिव ये रहेगा क्योंकि इसकी वैल्यू हायर होने वाली है। लेकिन ये तो इंडियन रूपी में जब आपने कंपेयर किया तब हुआ, लेकिन अगर डॉलर में जब आप कन्वर्ट करेंगे इसको, तो आपने इसको डॉलर में कन्वर्ट किया और मान लेते हैं एक्सचेंज रेट जो चल रहा है वो चल रहा है एक डॉलर में 50 रुपए, तो आपको कितने डॉलर मिल गए, $2 मिल गए, यानी कि $2 में आपने अपना ये रबर बेच दिया। यहां पर इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि नहीं हमारा एक्सचेंज रेट जो रहेगा वो एक डॉलर में 100 रुपीज रहेगा, मतलब 100 रुपीज के हिसाब से, रुपीज का मतलब चाइनीज रेनमी मान लेते हैं यहां पर, तो एक डॉलर में 100 चाइनीज रेनमी है, यानी कि इनको कितना पैसा लगा, इनको लगा 1 समथिंग डॉलर। अब बताइए कौन सस्ता है,
अब सस्ता तो बन गया चाइना वाला, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट महंगी थी लेकिन इसने अपने अपने एक्सचेंज रेट के माध्यम से अपना आइटम इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता बना दिया। और यही तरीका होता है डीवैल्यूएशन करने का। जो भी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो भी कंट्री मैन्युफैक्चरिंग कंट्री होती है, वो इस तरीके के आइटम अपनाती है और इस तरीके से बाकी दूसरे का मार्केट खराब कर देती है। अब इंडिया वाला क्या करेगा, मान लीजिए 10 टन अगर रबर को जो है वो इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर रहा था, तो अगले साल चूंकि इसकी डिमांड हुई नहीं तो अगले साल इसको 10 टन की बजाय 5 ही टन करना पड़ेगा, 2 ही टन करना पड़ेगा, या हो सकता है नहीं भी करना पड़े। तो इनके पास अब डॉलर आएगा नहीं, जब डॉलर आएगा नहीं तो इनकी जो भी करेंसी है, मतलब कि जो रुपए है, वो करेंसी हमेशा लगातार डेप्रिशिएट करते जाएगी, उसकी वैल्यू लगातार गिरते जाएगी। और यहां पर क्या है, इन्होंने तो खुद खेल करके रखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और इस तरीके से ये कर क्या रहे हैं, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लगातार दूसरी कंट्री में फ्लडिंग करते जा रहे हैं। इसको बोलते हैं डंपिंग करना, ये डंपिंग करते जा रहे हैं। और डंपिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो एक्सचेंज रेट है इन्होंने खुद डिवैल्यूएट करके रखा हुआ है। अब इसे कहेंगे ये तो चाइना का नुकसान हो रहा है, चाइना का नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जब आप बात करेंगे चाइना अपने डेब्ट ट्रैप में सबको फंसा लेगा, क्योंकि सबका मार्केट वो खराब कर देगा और केवल खुद रिलायंस जियो की तरीके से बन करके बाकी के जितने भी कम्युनिकेशन नेटवर्क या फिर सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको पहले खत्म कर देगा, फिर बाद में जा करके ये अपना राज कर रहा होगा। जैसे फिलहाल आप लोगों ने देखा होगा कोविड के ही केस में, हालांकि मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, व्हाट इज द रियलिटी देयर, अभी मैं कुछ पुख्ता नहीं कह सकता, रिपोर्ट्स आर नॉट देयर, तो मैं इसलिए कभी कमेंट नहीं करूंगा। तो कोविड के बारे में अगर बात करें तो ऐसा कहा गया मीडिया सोर्स के द्वारा कि पहले चाइनीज ने ही एक वायरस फैलाया, एंड नाउ ही इज सेंडिंग, या फिर कह सकते हैं ही इज एक्सपोर्टिंग द पीपीई किट। यानी कि इसने क्या किया है, इसने एक एक्स्ट्रा कंडीशन ऐसी बनाई, एक ऐसा माहौल बनाया जिसमें इसका पीपीई बिकना शुरू हो जाए। अब ये पीपीई बेच बेच के क्या करेगा, लगातार अलग अलग कंट्रीज को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसा लेगा, क्योंकि हो सकता है कुछ कंट्री जिनके पास पैसा ही ना हो, तो पैसा नहीं होगा तो कहेगा आओ बेटा हम तुमको पैसा भी देंगे, हम तुमको पीपीई भी देंगे, और अल्टीमेटली होगा क्या कि आप इसके गुलाम बन करके रह जाएंगे। तो दिस इज हाउ द मैन्युफैक्चरिंग कंट्रीज मेक्स एन एनवायरमेंट इन विच दे ट्राई टू गेट प्रॉफिट इन द लॉन्गर रन। तो लॉन्गर रन में इस तरीके की चीजें की जा रही होती है। चलिए खैर, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, इसमें आप लोग बहुत ज्यादा इमोशंस मत रखिएगा। चलिए खैर, आगे बात करते हैं दूसरा एप्रिसिएशन के बारे में। व्हाट इज एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का उल्टा है, एप्रिसिएशन बात ही खत्म हो गई। कि इफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इफ अ फ्री फ्लोटिंग डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीजेस इट्स वैल्यू अगेंस्ट द वैल्यू ऑफ ए फॉरेन करेंसी, इट एप्रिसिएशन। तो उल्टा हो जाता है, एप्रिसिएशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। रिवैल्यूएशन क्या होती है, रिवैल्यूएशन का मतलब एक करेंसी है वो नीचे गिर गई है, नीचे गिरने के बाद फिर ये अप्रिशिएट करना शुरू कर दी, और इस पूरी प्रोसेस को हम लोग बोल रहे हैं क्या, रिवैल्यूएशन, कि वापस से इसकी वैल्यू बढ़िया हो गई है। टर्म यूज्ड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट विच मींस अ गवर्नमेंट स्पेंड इंक्रीजिंग द एक्सचेंज रेट ऑफ इट्स करेंसी अगेंस्ट एनी फॉरेन करेंसी इट्स ऑफिशियल अप्रिसिएशन। क्लियर हो गया क्या चीज है, ओके अब इसके बाद हम लोग आते हैं अलग अलग तरीके के एक्सचेंज रेट पे होती है। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में।